नमस्कार दोस्तों, तो नीता हाजिर है आपके सामने। लेकिन आज हम बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, लगभग साल भर के बाद। अब क्या कहें, बातें कुछ ऐसी हैं जो आपसे हम कह नहीं सकते, और शायद अगर आप सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह से भावुक हो जाएंगे, तो मैं वो बातें नहीं शेयर करना चाहती जिससे मेरे सारे श्रोता, मेरे दर्शक दुखी हो जाएं। तो कोई भी परिस्थितियां हो, शो हमेशा चलता ही रहता है। तो उसी आशा और उम्मीद के साथ मैं दोबारा लौटी हूँ आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा उत्साह वर्धन वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। नवरात्र के दिन है, ऊर्जा उत्साह के दिन है, शक्ति के दिन है। तो माँ जगदम्बा की कृपा से मैं अपना यूट्यूब चैनल में दोबारा वापस आई हूँ, और मैं बना रही हूँ एक मिठाई जो है लौकी का हलवा, जो नवरात्र में सभी लोग बनाते हैं और खाते हैं, पर मैंने अपने स्टाइल से बनाया है लौकी का हलवा। आप ज़रूर बनाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, और माँ का भोग भी लगाइए। तो चलिए बनाते हैं लौकी का हलवा। हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। नवरात्र में आप तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, पर लौकी हल्की भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, और ये हलवा इसका बनाना भी बहुत आसान है। तो मैंने लौकी को कस लिया है, आप चाहें तो इसको उबाल भी सकते हैं, पर मैंने तो इसको कच्चा ही रखा है क्योंकि इससे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आता है। ये है हमारे पास पिसी हुई चीनी, ये है खोया, आप चाहें तो दूध में भी बना सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टेस्ट को एनहेंस करेंगी। छोटी इलायची, कटे हुए कुछ बादाम काजू, नारियल और किशमिश है। आप चाहें तो इसमें से कोई मेवा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जो आपके पास है या आपको जो पसंद है। ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा देसी घी। ये घी आप कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये डाल रहे हैं कसी हुई हम इसमें लौकी। इसको थोड़ी देर तक हम भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। थोड़ा तेज आंच और थोड़ा मीडियम, इस तरह से हमको 5 मिनट लगेगा लौकी को भूनने में, और कलर इसका चेंज होने लगेगा। देखिए हमारा इसका लौकी का पानी सूख गया है और कलर चेंज होने लगा है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा दूध मिला के भी इसको पका सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट भी खोया मिला सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध इसमें डाल रही हूँ ताकि और भी अच्छा टेस्ट। थोड़ा सा ही हम दूध डालेंगे और इसको 5 मिनट और पकाएंगे। देखिए दूध डालने के बाद इसका कलर और भी अच्छा हो गया, दूध इसके अंदर बिल्कुल चला जाएगा, और पकने के बाद इसमें हम थोड़ा सा खोया और मेवा मिलाएंगे। अब हमारा दूध लगभग सूख गया है, और हमने इसको मीडियम से तेज फ्लो की तरफ पकाया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हलवा जल ना जाए। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे चीनी और मेवा। तो चीनी आपके टेस्ट के अनुसार, और आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है, थोड़ी सी चीनी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी तो हमको थोड़ा टाइम और भी भूनना पड़ेगा। ये इलायची है, आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और चाहें ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी मेवा अभी डालेंगे, और थोड़ी मेवा हम डालेंगे बाद में। ये इसके साथ अच्छा सा भून के फ्लेवर देगी। ये देखिए अब चीनी भी पानी छोड़ रही है, हमें उसके साथ भी इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से तेज गैस पे भूनना है। अब हमारी चीनी भी इसमें मिलके तैयार हो गई, और लगभग देखिए हलवा मेरा तैयार होने वाला है। इस हलवे को बनाने में लगभग 30 मिनट लगेंगे, लेकिन फायदा ये है कि आप इसको बना के रख लीजिए फ्रिज में, और हेल्दी भी है ये, और टेस्टी भी है, एनर्जेटिक भी, और इसमें हम माँ का पहले दिन भोग भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम खोया मिलाने जा रहे हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट बनाना है तो आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बना रहे हैं। मैंने तो दूध और खोया दोनों यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास दूध और खोया दोनों था। इसमें हम थोड़ा सा खोया मिलाएंगे, अकॉर्डिंग योर टेस्ट, अकॉर्डिंग योर नेसेसिटी, और हम किसको कितना इन्हेंस करते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी पे होता है। ये देखिए इसको थोड़ी देर और भूनना है हमें, 2 से 3 मिनट। सारी मेवाएं मिलानी है, और आपका लौकी का हलवा है तैयार। ये हमने थोड़ी थोड़ी इसमें मेवा और मिला ली, थोड़ा सा इसमें नारियल डाला है मैंने कसा हुआ,
थोड़ी सी किशमिश डाली है, आप इलायची पाउडर मिक्स कर सकते हैं, मैंने पहले ही इसमें एक इलायची डाल दी है। और थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे और हमारा हलवा लगभग रेडी है। और आधा चम्मच देसी घी और डाला है खुशबू के लिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप हलवा बनाएंगे तो उसको आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो खोया या दूध जल जाएगा आपका। और बहुत प्यार से बनाइएगा, हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे लौकी का हलवा। अब हम करने जा रहे हैं सर्व। ये हलवा, ये हमारा भोग का हलवा तैयार है। हम माँ के आगे प्रसाद रखने जा रहे हैं, माँ हमारा भोग स्वीकार करें। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।